Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning to you all, myself Maninder Sharma. And today in this session we are going to learn about biodiversity. It is part 2nd. First part mein biodiversity ke first part mein humne what is biodiversity? बायोडाइवर्सिटी क्या है और इंडिया में कौन कौन से थ्री मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनके बारे में हमने स्टडी किया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी पे अभी रिसेंटली जो है कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स उसको हार्म पहुँचा रहे हैं एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी देखिए ग्लोबलाइजेशन हुआ है वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी है. ग्लोबलाइजेशन हुआ है लोगों ने डेवलपमेंट किया है सो उस डेवलपमेंट के लिए है ना उस डेवलपमेंट के लिए हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया. इलीगल पोचिंग इलीगल जो एनिमल का पोचिंग हो रहा है एनिमल्स का हंटिंग हो रहा है इलीगल उस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बायोटिक अबायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग सभी से कंसिस्ट होती है. एक बायोडाइवर्सिटी में मिलियंस ऑफ फ्लोरा फोना इंसेक्ट बर्ड्स एनिमल्स सब इन्वॉल्व होते हैं तब जाके वो एक बायोडाइवर्सिटी फॉर्म होती है. अब अगर उस बायोडाइवर्सिटी में आप एक कंपोनेंट को भी अगर बाहर निकाल दो तो बायोडाइवर्सिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी. सो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और लोग भी अभी अवेयर हुए हैं ज़्यादा सो टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1968 में इसका एस्टेब्लिश किया था. 1950s और उस टाइम से एक्चुअल में ह्यूमंस ने इतनी इलीगल हंटिंग की फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हाउसिंग एयरपोर्ट्स सिटीज जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया सो वी स्टार्ट हार्मिंग आर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुँचाने लगे. इलीगल डिफॉरेस्टेशन होने लग गए और नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट्स का नंबर जो था बहुत स्पीड से डिक्रीज होता गया. तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन ये एक इंटरनेशनल यूनियन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए IUCN को एस्टेब्लिश किया गया इन 1968. इसी के साथ में रेड डेटा बुक 1972 में एक जो भी डेटा होता है उसको रिकॉर्ड रखने का एक मेथड है. इसमें रेड डेटा बुक में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज का सब स्पीसीज ऑफ प्लांट्स का फंगस एनिमल्स देयर हैबिट्स एंड देयर प्रेजेंट नंबर इन सब का हम रिकॉर्ड किस में रखते हैं रेड डेटा बुक में. ये 1972 से इफेक्ट में आया और रेड डेटा बुक में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो रेयर स्पीसीज हैं जिनको अगर आप अभी भी अगर कंट्रोल नहीं किया गया उनको उनकी पॉपुलेशन को जो बहुत स्पीड से डिक्रीज हो रही है तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. अगर उनको आपने सही टाइम पे नहीं प्रोटेक्ट किया तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. तो उनका रिकॉर्ड हम इसमें रखते हैं रेयर एंडेंजर्ड सब स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फंगस एनिमल्स देयर हैबिटाट कहाँ पे वो रहते हैं और अभी एट प्रेजेंट उनका कितना नंबर अभी अर्थ पे अवेलेबल है कितने नंबर उनके प्रेजेंट है तो उसका सब रिकॉर्ड हम रखते हैं रेड डेटा बुक में. सो कुछ टर्म्स है उनको देखते हैं. व्हाट फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है वो स्पीसीज जिसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव अब अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है. ऐसी स्पीसीज जिसका एक भी स्पेसिमेन एक भी रिप्रेजेंटेटिव इवन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म उस स्पीसीज का प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज. अब वो लुप्त हो चुकी है पूरी तरह से उसके नंबर जीरो हो चुका है. डायनासोर्स आपने देखे होंगे डोडो डोडो एक बर्ड था जो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है और यहाँ पे प्लांट्स भी हैं
ह्यूमंस के साथ साथ में सॉरी एनिमल्स के साथ में बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने जो पर्टिकुलर रीजन में मिलते थे, पर्टिकुलरली वाइल्ड में मिलते थे, बट हमने इस तरह से डिफॉरेस्टेशन किया और एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट किया, इतने हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर एनवायरनमेंट पे हुए हैं, तो उससे प्लांट्स की स्पीसीज भी पूरी तरह से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब एक भी आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव अर्थ पे नहीं मिलेगा। एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो भी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है बट इनका नंबर बहुत स्पीड से कम होता जा रहा है और फ्यूचर में अगर आपने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया सो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। ये भी एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव अर्थ पे अवेलेबल नहीं होगा। सो इनको आप इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। सो IUCN रेड डेटा बुक और ये दे आर द ऑर्गेनाइजेशन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के डेटा रिलीज करती हैं कि और ये आपको डेटा अवेलेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो रिस्क पर है और आपने अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया सो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट और सून दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। इनमें एग्जांपल है चीता, टाइगर, लेपर्ड, सर्पेंटाइना, रोवेल्फिया सर्पेंटाइना, ये सर्पगंधा, सर्पगंधा का जो पौधा होता है उसकी बॉटेनिकल नेम है रोवेल्फिया सर्पेंटाइना। सो ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट है। नेक्स्ट इज वुलनरेबल स्पीसीज, द स्पीसीज हूज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली एंड सून एक्सपेक्टेड टू बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये कंटिन्यू है बेटा, इसी होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो जिसका नंबर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है और नहीं आपने प्रोटेक्ट किया सो दे विल बिकम अ एंडेंजर्ड स्पीसीज। सबसे फर्स्ट हमने किया था एक्सटिंक्ट स्पीसीज जिसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं है, उसके बाद हमने किया था एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनके नंबर सफिशिएंट हैं बट अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लिमिटेड उनके नंबर्स हैं। नेक्स्ट वल्नरेबल, और इसमें थोड़ा एंडेंजर्ड से ज़्यादा इनकी स्पीसीज के नंबर होते हैं और अगर आपने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो दे विल बिकम एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड से ये एक्सटिंक्ट में चले जाएंगे। तो इसके अंदर है नीलगिरी, टहर, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बग, दैट इज ब्लैक बग, ये आपने देखा होगा, कोबरा, याक और ये ब्लैक बग, दैट इज ब्लैक बग, दैट इज रेड पांडा, इनके नंबर बहुत कम है। नेक्स्ट इज रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज नाम से ही है, देखिए रेयर, रेयर मीन्स होता है जो लिमिटेड, बहुत कम, कभी कभी कहीं पे अवेलेबल होते हैं। सो रेयर स्पीसीज एक लिमिटेड क्वांटिटी, इनकी लिमिटेड नंबर्स हैं और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ये मिलते हैं। आप इसकी एक्सपेक्टेशन करेंगे आप ये राजस्थान में मिल जाएगा या हिमालय में मिल जाएगा, कैमल की आप एक्सपेक्टेशन करें हिमालय में मिलेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सो नंबर भी लिमिटेड है और दे आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही, सुटेबल एनवायरनमेंट में ही ये मिलते हैं। रेड वुल्फ, हाइना एंड गिबून्स, इनसफिशियंटली नोन स्पीसीज, उस तरह की स्पीसीज हैं जिनके बारे में आपकी तक इतनी स्टडी नहीं हो पाई है एंड वी डू नॉट हैव सफिशियंट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। सो सफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वी डू नॉट कैप्ट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो इसीलिए हम उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट देम। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होती है एनिमल्स की तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और एनवायरमेंट जो लवर थे उन्होंने अप्रोचेस की और फोर्सफुली गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉज इनेक्ट किए। फर्स्ट इसमें देखते हैं 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी इलीगल जो भी हंटिंग है या एनिमल्स की पोचिंग,
एनिमल्स का ट्रेड, एनिमल्स को जिस तरह से उनके प्रोडक्ट्स के लिए अदर कंट्रीज़ में भी सेल किया जाता है, इंडिया में भी उसकी इलीगल पोचिंग होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने ऑर्गनाइज अ कन्वेंशन कॉल्ड CITES कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया था टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल मतलब आप इंडिया के जो एनिमल्स हैं उनको बाहर भी ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं उनको, एनिमल प्रोडक्ट्स के मेडिसिन में और अलग अलग पर्पस में यूज़ लेते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने IUCN ने एक समिट ऑर्गेनाइज की जिसमें एक लॉ पास किया CITES। नेक्स्ट इज CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी अमंग 193 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की है, उसके अकॉर्डिंग ये सब कमिटेड हैं, दे ऑल आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। ये सब कंट्रीज जो हैं बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में कमिटेड हैं, ये अपना पूरी तरह से सहयोग करेंगी। 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है 2002 में। इसी के साथ में इंडिया का अपन अगर देखें, इंडिया में भी थ्री लेवल पे इन्होंने थ्री टायर ऑर्गेनाइजेशन है, थ्री लेवल्स हैं। फर्स्ट इज NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पे, डिफरेंट स्टेट जो इंडिया की उनमें स्टेट लेवल पे है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एंड लास्ट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, ये लोकल लेवल पे होती है जिससे आप एनवायरमेंट जो लवर्स होते हैं वो भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इन जून 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड ऑफिस जो है इंडिया में भोपाल में है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एयर वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉज को इन्होंने सम सेम एक ही लैब के अंदर इसको इन सबको रखा गया है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट, वाटर, एयर एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर जो भी सॉल्व होंगी, ये दे ऑल आर इन द सेम लैब, उसको सभी सेम लैब में रखा गया है। नेक्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन, जब बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो गई, पॉपुलेशन इतनी एनिमल्स की कम होने लगी, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ रेयर हैं अभी, कुछ एंडेंजर्ड हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन स्टार्ट किया। तो अपन इन सीटू कंजर्वेशन देखते हैं, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। इस टाइप के कंजर्वेशन में ऑन साइड कंजर्वेशन किया जाता है, ऑन साइड मतलब जैसे जहां एनिमल वाइल्ड में रह रहे हैं तो उस एरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है, सो दैट वहां पर इलीगल पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को आप कट नहीं कर सकते, वहाँ आप एंटर नहीं हो सकते विदाउट परमिशन, आप एनिमल्स की हंटिंग नहीं कर सकते, तो ऑन साइट कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, जहाँ ऑर्गेनिज्म या एनिमल रहता है उसी एरिया को चारों तरफ से प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन देयर नंबर, उनके नंबर्स में कमी आती है तो उस एरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से वहाँ पर अपने नेचुरली जहाँ पर वो पहले रहते थे उसी एरिया में उसको पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड अनाउंस कर दिया जाता है, सो दैट इलीगल पोचिंग या किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट उनको ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इंडिया में तो देर इज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 99 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 523 है और कंजर्वेशन रिजर्व 47 है वर्ल्ड में। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है जो एनिमल का नेचुरल जो हैबिटेट है उससे हटके उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया में, ह्यूमन मेड जो प्रोटेक्टेड एरिया उनमें रखा जाता है, एंडेंजर्ड प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी कंजर्व किया जाता है, ह्यूमन मेड जो रिजर्व होते हैं वहाँ पर उनको
रखा जाता है, दैट इज बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन में ये एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये बॉटेनिकल गार्डन में जो ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ये ह्यूमंस ने उनको ग्रो होने में हेल्प किए, ये इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट में तो ये अलग होते हैं, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है जिसमें ह्यूमंस ने इसको ग्रो किया। सीड बैंक, सीड बैंक एक न्यू इनोवेशन है, इसमें एक्सटिंक्ट होती हुई स्पीसीज के सीड्स को कल्चर किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है सीड बैंक में, ताकि इन फ्यूचर जो फ्यूचर में जो स्पीसीज अभी इनडेंजर्ड में है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हम उसको वापस एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए हम सीड बैंक को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें जितनी भी स्पीसीज अवेलेबल हैं अर्थ पे उनके सैंपल्स जो हैं, सीड्स जो हैं, उनको स्टोर किया जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट होने से रोका जा सके। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यूज के टिश्यू कल्चर के थ्रू भी न्यू स्पीसीज प्लांट्स की और उनको भी ग्रो किया जाता है। बर्ड हाउस एंड एक्वेरियम, बर्ड हाउस तो जनरली आप घर में देखते ही हैं बर्ड हाउस। नेक्स्ट इज एक्वेरियम, एक्वेरियम की एक्वेरियम भी जो गवर्नमेंट सेटअप करती है वो भी एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्वेरियम में टर्टोइज सॉरी टर्टल्स, फिशेज, एक्वेटिक प्लांट्स, इन सबको ह्यूमंस जो है अपने लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं। नेचुरली इनको नेचर में मतलब फ्रीली इनको नहीं छोड़ा जाता, इनको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट इज जू, नेशनल पार्क और जू में बहुत डिफरेंस है। जू एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो एक लिमिटेड एरिया में होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को एनिमल को वहीं रहकर सर्वाइव करना होता है, बट एक नेशनल पार्क की कोई लिमिट नहीं होती और वो एनिमल्स के एनिमल के लिए एक वास्ट जोन होता है। सो जू को भी एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई होप बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हैं, कौन कौन से हार्मफुल कौन कौन से रीजन्स है जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमने आज रीड किया, और गवर्नमेंट किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जू, एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन कर रही है, नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश कर रही हैं, जू एस्टेब्लिश हो रहे हैं, सेंचुरीज बन रही हैं, सफारी पार्क्स होते हैं वो भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन एज Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.